कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए शासन के निर्देश पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू का असर गुरुवार को भी देखने को मिला। इस दौरान पुलिस के जवान वाहनों की चेकिंग कर लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक भी करते रहे। महानगर के घोष कंपनी चौराहा, मुंशी प्रेमचंद पार्क रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, नागलिया रोड, बेतिहाता, शास्त्री चौक सहित अन्य चौराहों पर कोरोना नाइट कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिला। गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन महानगर के बेखौफ नागरिक नाइट कर्फ्यू का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं और सड़कों पर तमाम भीड़ भी देखी जा सकती है। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से नाइट कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी है। SPCT सोनम कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए 28 जगहों पर बैरिकेटिंग कर वाहनों की चेकिंग किया जा रहा है तथा रात्रि 9 बजे से नाइट कर्फ्यू जारी किया गया है। महानगर के सभी CO, SHO तथा चौकी प्रभारी क्षेत्र में निकलकर कर्फ्यू का पालन करा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपना सभी काम करके 9 बजे तक अपने घरों में चले जाएं तथा उसके पश्चात अगर कोई नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, देखिए रात्रि कर्फ्यू में 9 बजे से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी CO, SHO और सभी चौकी प्रभारी क्षेत्र में निकलेंगे, जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है। 28 बैरियर्स पे हम चेकिंग करेंगे और ट्रैफिक डाइवर्जन का नियम भी लागू किया जाएगा। जो जनता है उससे अनुरोध यह है कि अपना सारा कार्य समाप्त करके 9 बजे के पर अपने घरों में चले जाएँ। उसके पश्चात अगर कोई बेवजह सड़क पर मिलता है, हमें रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ कोई दिखता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की जो तीसरी लहर की संभावना बढ़ती जा रही है, इसलिए जनता से अनुरोध यह है कि पूरा ख्याल रखें। अगर वैक्सीनेशन हो गया है तो भी मास्क, सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग अवश्य करते रहें, क्योंकि अगर आपका वैक्सीनेशन हो गया है इसका अर्थ यह नहीं कि कोरोना जो है फैल नहीं सकता, आप कैरियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसलिए इसको बचाएं और अपने समाज को बचाएं।